हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम मेटल एंड नॉन मेटल की एमसीक्यू करेंगे, क्लास टेंथ एनसीईआरटी एमसीक्यू केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। हम पार्ट 2 बना चुके हैं, पार्ट 1 भी बना चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है एमसीक्यू का, मेटल एंड नॉन मेटल का थर्ड पार्ट। तो देखेंगे 62 नंबर का क्वेश्चन। एन ओर ऑफ मैंगनीज मेटल इज, मैंगनीज मेटल का ओर पूछा है, बॉक्साइट होगा, हेमेटाइट होगा, क्यूपायराइट होगा, पायरोल्यूसाइट होगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पायरोल्यूसाइट। 63 नंबर का क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओ आयरन ओर, आयरन ओर पूछा है, सिनबार होगा, कैलेमाइन होगा, हेमेटाइट होगा, रॉक साल्ट होगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेमेटाइट हो जाएगा। 64 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू का, द मेटल विच कैन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट ओर। अब बॉक्साइट ओर किससे मिलता है, सोडियम से मिलता है, मैग्नीज से मिलता है, एल्युमिनियम से मिलता है कि मरकरी से मिलता है, तो आपका एल्युमिनियम से मिल जाएगा। इसके ट्रिक मैं बता दूंगा, आप देख लेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, मंथन पाठशाला पे, ओर के सारे ट्रिक मैं बता दूंगा, आप आसानी से याद कर लेंगे। चलिए अभी एमसीक्यू देखते हैं। तो 64 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बॉक्साइट ऑफ ओर एल्युमिनियम हो जाएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द टू मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग देयर सल्फाइड इन एयर अप। अब पूछा है सोडियम एंड कॉपर, बी ऑप्शन कॉपर एंड एल्युमिनियम, पोटेशियम एंड जिंक एंड मरकरी एंड कॉपर। तो 65 का आंसर हो जाएगा मरकरी एंड कॉपर हो जाएगा, 65 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 से देखेंगे, अ कॉमन मेटल विच हाईली रजिस्टेंस टू क्रोजन इच, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो क्या हो जाएगा 66 का, एल्युमिनियम हो जाएगा। ओके, 67 का देखेंगे, एन इम्पॉर्टेंट और जिंक मेटल का और पूछा है, कलेमाइन, क्यूपायराइट, पायरोल्यूसाइट एंड हेमेटाइट। तो 67 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैलेमाइन हो जाएगा, जिंक का और क्या हो जाएगा, कैलेमाइन। 67 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 देखेंगे, द मेजर ओर ऑफ एल्युमिनियम इज नोन एज, एल्युमिनियम का ओर पूछा है, सिनबार होगा, कैलेमाइन होगा, बॉक्साइट होगा, पायरोल्यूसाइट होगा। तो क्या होगा, बॉक्साइट होगा, एल्युमिनियम का ओर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। सी ऑप्शन 68 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 देखेंगे, द टू मेटल विच आर एक्सट्रैक्टेड बाई द मीन ऑफ द इलेक्ट्रिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टेन सॉल्ट। तो दिया है मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम एल्युमिनियम। तो 69 का हो जाएगा मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, 69 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 देखेंगे, आयन स्टेनलेस स्टील एलोइस आयरन मेटल इज मिक्स विथ कॉपर एंड क्रोमियम, बी ऑप्शन क्रोमियम एंड निखिल, सी ऑप्शन क्रोमियम एंड टिन, यसियन जिसे बोला जाता है, और डी ऑप्शन कॉपर एंड निखिल। तो 70 का ऑप्शन हो जाएगा क्रोमियम एंड निखिल, स्टेनलेस स्टील के एलोइस पूछा है, तो क्रोमियम एंड निखिल हो जाएगा, एक साथ करेंगे इसको, 70 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 देखेंगे, इफ कॉपर इज केप्ट एक्सपोज टू डैम्प एयर ऑफ कंसिडरेबल टाइम इट गेट अ ग्रीन कोटिंग ऑन इट्स सरफेस, दिस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कोटिंग होगा, या कॉपर ऑक्साइड का, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, या कॉपर नाइट्रेट का। तो हो जाएगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ओके, 71 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलोइस कॉन्टेंट मर्करी एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूंट। देखेंगे क्या होगा, स्टीलनेस स्टील, सोल्डर, ड्यूरल एल्युमिनियम एंड जिंक अमलगम। तो 72 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, जिंक अमलगम हो जाएगा। 73 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड ओर ऑफ मर्करी मेटल, रॉक साल्ट, सिनबार, कैलेमाइन, हेमेटाइट। 63 का हो जाएगा आपका सिनबार है, यानी 63 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 देखेंगे,
कैलेमाइन ओर कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल दिस मेटल इच। देखिए कॉपर हो सकता है, मरकरी हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है या जिंक हो सकता है। तो यहाँ पे जिंक का ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन 74 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर, क्या होगा? पहला ऑप्शन ए जी एच जी दिया है, सिल्वर एंड मरकरी। बी ऑप्शन सिल्वर एंड जिंक। सी ऑप्शन गोल्ड एंड मरकरी। एंड डी ऑप्शन गोल्ड एंड ए जी सिल्वर। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, गोल्ड एंड सिल्वर ए जी हो जाएगा। तो 75 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट आर यूज टू कैरी आउट द थर्माइट रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग द ब्रोकन रेलवे ट्रैक। अब कहना चाह रहा है देखेंगे, Al2O3 प्लस आयरन, MnO2 प्लस एल्यूमिनियम, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, Cu2O प्लस आयरन। तो क्या हो जाएगा? कहना चाह रहा है कि थर्माइट रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग में ब्रोकन, मतलब जब रेलवे ट्रैक टूट जाती है तो किससे बिल्डिंग किया है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम का। तो 76 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलोइज कॉन्टेंट नॉन मेटल एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, ब्रास है, अमलगम है, स्टील है या ब्रॉन्ज है? तो स्टील सही हो जाएगा, 77 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टील। ओके 78 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बाई इलेक्ट्रोलिसिस द प्योर मेटल इज ए डिपॉजिट, तो ऐड को एट होड, या बी दे रखा ऑन द वॉल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, सी ऑप्शन एट एनोड, और डी ऑप्शन एट द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एट द कैथोड। ओके 79 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम द हेमेटाइट ओर, हेमेटाइट ओर से क्या मिल, कौन सा होगा? तो कॉपर, सोडियम, जिंक, आयरन। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आयरन, 79 का डी। ओके आयरन सही हो जाएगा, हेमेटाइट ओर क्या होते हैं? आयरन का होते हैं। 80 का दे रखा है ब्रास इज एलोइस ऑफ, पूछा है कॉपर एंड जिंक का होता है मिक्सचर, या कॉपर एंड लेड का होता है, लेड एंड टिन का होता है, जिंक या कॉपर का होता है? तो 80 हो जाएगा डी, जिंक एंड कॉपर का मिक्सचर होता है ब्रास। इंपॉर्टेंट है, ट्रिक लगा लेंगे, जितने भी ओर हैं वह जरूर पूछे जाएंगे, आप अच्छे से उसको तैयार कर लेंगे, हम इस पर ट्रिक बना देंगे, आप याद कर लीजिएगा। चलेंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। द मेटल विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अमलगम, आयरन, एल्युमिनियम, मरकरी या मैग्नीशियम? तो मरकरी हो जाएगा, सी ऑप्शन 81 का सी ऑप्शन। 82 देखेंगे। मैग्नीज मेटल इज एग्जर्टेड फ्रॉम द मैग्नीज डाइऑक्साइड बाय द रिडक्शन प्रोसेस मेकिंग यूज कार्बन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलिसिस या दे रखा डी ऑप्शन एल्युमिनियम। 82 का हो जाएगा एल्युमिनियम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 82 का डी। 83 देखेंगे। द मेटल विच कैन बी एग्जर्टेड सिंपली बाय द हीटिंग द सिनबार और इन एयर, तो जिंक का होगा, कॉपर का होगा, एल्युमिनियम का होगा, मरकरी का होगा? तो 83 का हो जाएगा मरकरी, सिन बार और क्या होगा? मरकरी। 84 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन आयरन मेटल इज गिव अ थिन कोटिंग ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल, दिस मेटल इज क्रोमियम, टीन, जिंक, कॉपर। 84 नंबर का हो जाएगा जिंक हो जाएगा। ओके 85 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस देयर मोल्टेन क्लोराइड, दिया है सोडियम, मरकरी, मरकरी एंड मैग्नीशियम, सोडियम मरकरी, सॉरी सोडियम एंड मैग्नीशियम, कॉपर एंड आयरन, कॉपर एंड आयरन दे रखा है। तो 85 का हो जाएगा आपका सोडियम एंड
मैग्नीशियम, सी ऑप्शन 85 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, रॉक सॉल्ट इज एंड ओर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल, दिस मेटल इज, देखिए मैग्नीज दिया है, सोडियम दिया है, आयरन दिया है, कॉपर दे रखा है, तो 86 का हो जाएगा सोडियम। यहाँ पे रॉक सॉल्ट, ठीक है, तो सोडियम NaCl होता है, टेबल सॉल्ट, तो यह दे रखा है 86 का बी ऑप्शन। ओके 87 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, द आर्टिकल मेड अ सिल्वर मेटल बिकम डार्क ऑन प्रोलॉन्गेड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ए ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ इट ऑक्साइड, हाइड्राइड, सल्फाइड या कार्बोनेट, तो 87 का हो जाएगा सल्फाइड हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 87 का सी। 88 का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88, अ सल्फाइड ओर इज ए कन्वर्टेड इनटू द मेटल ऑक्साइड बाय प्रोसेस, तो कार्बोनेशन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, एनोडाइजिंग, तो 88 का हो जाएगा आपका रोस्टिंग हो जाता है। ओके सल्फाइड ओर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, तो रोस्टिंग बी ऑप्शन, 88 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द मेटल विच कैन बी एग्जर्टेड फ्रॉम द पाइरोल्यूस्टर ओरिज, मरकरी होगा, मैग्नीज होगा, एल्युमिनियम होगा, मैग्नीशियम होगा, तो 89 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बी, मैग्नीज होगा, Mn जिसे कहा जाता है। 90 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कैलेमाइन ओर कैन बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड बाई प्रोसेस, तो डिहाइड्रेशन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, सल्फोनेशन, तो 90 का हो जाएगा कैल्सिनेशन हो जाएगा। ओके लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का 91, जिंक ब्लेंड ओर कैन बी कन्वर्टेड जिंक ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग, हाइड्रोजिनेशन, क्लोरीनेशन, कैल्सिनेशन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, रोस्टिंग हो जाएगा। तो इसी के साथ ये पार्ट 3 ख़त्म हो गया मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर के, तो मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया। MCQ फर्स्ट पार्ट में भी कराया, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 था, ये पार्ट 3, ठीक है। अगर कंबाइंड भी देखना चाहेंगे तो आपको एक साथ ये वीडियो कंबाइंड करके मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप देख लेंगे मंथन पाठशाला पे। ओके तो इसी के साथ मेटल एंड नॉन मेटल के MCQ ख़त्म हो गए, नेक्स्ट कराएंगे कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड, तो आप बने रहिए मंथन पाठशाला पे, अच्छे से पढ़ते रहिए। और भी चीज़ें मैं कराऊंगा, इस बुक के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कराएंगे, तो बने रहेंगे, तो सीखते रहिए, बनते रहिए, तैयार करते रहिए। तो ये जल्दी शुरू करूंगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सारे करवा दूंगा मैं, और इसके बाद मैं कराने वाला हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का MCQ, उसके बाद फिजिक्स शुरू करेंगे, उसके MCQ कराएंगे, तो आप अच्छे से करिए। ओके ठीक है बच्चों।